नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके जो फ़ोटोज़ है या तो वीडियोज़ है उसके अंदर आप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं इन विंडोज़ मूवी मेकर के अंदर। तो आपको जहाँ पे भी इफ़ेक्ट डालनी है, जैसे हमने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया, पहले फ़ोटो पर डाल देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर एक विजुअल टैब है, विजुअल इफेक्ट्स की टैब है, और इसमें आप यहाँ से ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी इफेक्ट्स जो है यहाँ पे दिखेगी। तो हम एक एक देखते हैं थोड़ी इस तरीके से हो रहा है ये पिक्सल एट। ये सिनेमेटिक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली कुछ है कि यहाँ पे हम एक सिनेमेटिक अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है आ जाएंगे, इसको प्ले करके देखते हैं। इसमें इफेक्ट ज़्यादा दिखी नहीं, ये वाली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छी दिख रही है शायद। के पहले हम वीडियो में जाते हैं और वहाँ से शिफ्ट करेंगे तो शायद एग्जैक्टली दिखेगा क्या हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कलर में जो है चेंज है, तो इस तरीके से इफ़ेक्ट जो है आपकी अप्लाई होगी। यहाँ पे वीडियो में भी एक एक दो अप्लाई करके हम टेस्ट कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई ये आपका जो वीडियो है उसमें ऐसे कट, जैसे आप एंटर होते हैं मतलब वहाँ से आप स्प्लिट लगा दें और फिर आप अपनी इफ़ेक्ट लगाएं और फिर थोड़ा सा वो वीडियो प्ले हो और फिर उसको स्प्लिट कर दें और फिर जो है नॉर्मल इफ़ेक्ट जो है आपकी वो आ जाए, विदाउट इफ़ेक्ट जो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बीच की जो क्लिप है उसमें हम एक इफ़ेक्ट डाल देते हैं, ये वाली डाल देते हैं, इतनी अच्छी तो नहीं लग रही है पर फिर भी यहाँ से प्ले करेंगे और दोनों मतलब तीनों जो है उसके बीच में शिफ्ट सिलेक्ट करके रखेंगे तो सीक्वेंस में वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो है हम ट्रांजिशन जो है डाल देते हैं। थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाएगा और यहाँ से हम करते हैं प्ले। तो इसको जो है आप अगर चाहे तो थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद, या तो फास्ट कर सकते हैं जस्ट कुछ आपका, जैसे कोई वीडियो ऐसा है उसमें थीम इस तरीके की है कि जैसे ही आपका इफ़ेक्ट अप्लाई होता है तो या तो वो फास्ट हो जाता है, स्लो हो जाता है, या उस टाइप की कुछ भी इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन सब चीज़ों का करके आप यह सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने देखा कि विजुअल इफ़ेक्ट जो है उसको इस पे अप्लाई करना फ़ोटो के अंदर, वीडियो के अंदर, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आज के वीडियो में बस इतना ही सिखाना था आई गेस इसमें। और हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आप अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं। अब अप्लाई टू ऑल कौन सा वाला किया जाए, ये कर देते हैं अप्लाई टू ऑल, तो सभी जगह अप्लाई हो जाएगी, सभी जगह स्क्वायर ब्रैकेट आ गया सेम। और उसमें आप अपनी ब्राइटनेस और वो भी चेंज कर सकते हैं, तो यही फीचर है इसमें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है उसमें ऐसे ही अभी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, तो आप इसको देखते रहें और सीखते रहें।